बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। ओम शांति। हम सभी अब बहुत पावरफुल योग में बैठेंगे। मैं आपके सामने संक्षिप्त कमेंट्री रखूंगा और हम सभी स्वयं को उसमें स्थित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा से संपूर्ण प्राप्तियों के लिए हमें संपूर्ण रूप से आत्माभिमानी हो जाना चाहिए। तो चलें हम अपनी यात्रा पर। सभी सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे अपने आत्मिक स्वरूप पर। मैं आपको पहले ले चल रहा हूं 5 स्वरूपों का अभ्यास। 5 स्वरूपों के बारे में सभी जानते हैं। सभी एक संकल्प देंगे अपने को कि मैं आत्मा इस तन में आई हूं। भ्रकुटियों के बीच बैठ गई अति सूक्ष्म ज्योति मुझसे चारों ओर स्थितियों की किरणें फैल रही हैं। आदि स्वरूप मैं आत्मा अपने देव शरीर में हूं। सभी स्थित करें अपने को। चलें गोल्डन एज में। दिव्य शरीरधारी, सिर पर डबल ताज, चारों ओर दिव्यता, स्वर्ग की छटा। मैं परम पूज्य दुर्गा स्वरूप अष्ट भुजाधारी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। मैं पवित्र ब्राह्मण ऑलमाइटी से कंबाइंड इस संसार की महान आत्मा फरिश्ता। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान, मुझसे चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता, लाइट हाउस, माइट हाउस। फिर से मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान, मास्टर सर्वशक्तिवान, इस संसार की शक्तिशाली आत्मा। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैलकर कमजोर आत्माओं को बल दे रही हैं। Thank you.
मैं देवता, सिर पर डबल ताज, सिंहासन पर विराजमान, संपूर्ण प्रकृति का मालिक, स्वर्णिम दुनिया का मालिक, मैं परम पूज्य, अनेक भक्तों का इष्ट, विघ्न विनाशक, सिद्धि दाता, गणेश स्वरूप, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, अनेक आत्माओं का पूर्वज, भगवान मेरा साथी, इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान, मैं फरिश्ता, लाइट के शरीर में पूर्णतया बंधन मुक्त, डबल लाइट, सभी को सकाश देने वाला, यहां से उड़कर चलें ऊपर की ओर। मैं फरिश्ता, चारों ओर लाइट माइट की किरणें बिखेरता हुआ अंतरिक्ष में स्थित, मेरे ऊपर बाबा से पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं, सफेद किरणें। और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति पावन हो रही है, पवित्रता की सकाश
प्रकृति के पांचों तत्वों को मिल रही है। चलें और ऊपर की ओर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के समक्ष दृष्टि मिल रही है बाबा से, उनके नैनों से निकली हुई लाइट माइट की किरणें हमें भरपूर कर रही हैं। अब अपने सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर आत्मा चलें अपने मूल वतन में, अपनी बंधन मुक्त स्थिति में, स्वीट साइलेंस में, गोल्डन प्रकाश में। सामने चमक रहा है सर्वशक्तिवान उससे निकली हुई किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान की किरणें हमें शक्तिशाली बना रही हैं। सर्वशक्तिवान की संपूर्ण किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही हूँ।
ओम शांति। हम सभी वो पुण्य आत्माएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं जिन्होंने जन्म जन्म पुण्यों का स्टॉक जमा किया है, इसलिए हम सभी को ये स्वर्णिम अवसर मिला है ईश्वरीय मिलन का। सभी बाबा के पास आए हैं इस संकल्प से कि बाबा की संपूर्ण शक्तियां स्वयं में समाते हुए हम सर्वश्रेष्ठ अनुभव करके लौटें। किसी को ये भाग्य साल में एक बार ही मिलता है, किसी को ज्यादा बार। जिनका योग बहुत अच्छा है उन्हें रोज और जब चाहें तब। हमें आज बाबा से अधिक प्राप्त कर लेना है। दो हाथ की नहीं, ये हमारे इस अलौकिक संगठन की सुंदरता है। बाबा बहुत दूर से आते हैं, संपूर्ण रूप से अव्यक्त। बाबा को आवाज प्रिय नहीं। हम सब भी आवाज की दुनिया में रहते हैं, आज आवाज से परे रहेंगे। स्वीकार है सभी को? ठीक है, तो पहले ही मैं ये बात आपके ध्यान पर दिलाऊं कि दादी जब ध्यान में जाए तो ताली नहीं बजाई जाती। लाल लाइट में हम सभी को योग में मगन रहना है, न कि ताली बजाने की अटेंशन में। कोई शुरू भी करे तो दूसरे उसको सहयोग नहीं देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, हम सभी को ये संगम युग का श्रेष्ठ मौका मिला है, हमें स्वचिंतन करना है, अब भी करना है और अपने जीवन में रोज करना है कि संगम युग पर हम क्या करें क्या न करें। ये इतना सुंदर चिंतन है, हमें अंतर्मुखी कर देता है और ईश्वरीय प्राप्तियों का अधिकारी बना देता है। बहुत भाग्य से हमें ये क्षण मिले हैं, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। आप में से जिन्होंने कुछ धर्म के और फिलोसोफी के बारे में अध्ययन किया हो वो जानते होंगे इस बात पर। हमारे दर्शनों में, इंडियन फिलोसोफी में बहुत चर्चा है कि भाग्य बना हुआ है या बनाया जा सकता है। मनुष्य भाग्य के अधीन होकर काम करता है या वो अपने मनोबल के आधार से, श्रेष्ठ कर्मों के आधार से अपना जैसा चाहे भाग्य बना सकता है। हम सबके पास इसका उत्तर है। आचार्य और विद्वानों ने इस पर बहुत चर्चाएं की हैं, शास्त्रार्थ हुए, चिंतन हुआ। अब हमें स्पष्ट हो गया कि ये समय है जब हम जितना चाहे भाग्य बना सकते हैं। स्वयं बाबा ने कह दिया कि मैंने भाग्य की रेखा खींचने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है। अब हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हम भाग्य के अधीन नहीं, भाग्य के निर्माता हैं। और सबसे पहले हम भाग्य का निर्माण करते हैं श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से।
यों तो मोटे रूप से हम सब जानते हैं कि कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है, परंतु ज्ञान की सूक्ष्मता को जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि संकल्पों के खजाने से भाग्य का निर्माण होता है। जिसके पास जितनी संकल्प की शक्ति है उसका भाग्य उतना ही महान है। तो हमें अपने से बातें करनी है, चिंतन करना है। जब भगवान हमारे सामने आकर भाग्य बांट रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या अपने इस अनमोल समय को छोटे छोटे संकल्पों में बिता दें या एक एक संकल्प से भाग्य की एनर्जी जमा करें? हम अपने जीवन को, संगम योगी क्षणों को ईश्वरीय प्यार में व्यतीत करें, प्रभु प्यार में स्वयं को मगन करें, या छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी रखें। हम लोगों ने पीछे एक इसी संकल्प से कुछ दिन अभ्यास किया अपने ग्रुप में कि हमें बातें प्रिय हैं या बाप का साथ प्रिय है। हम चुन लें, एक बात को चुन लें। बातों में रहना चाहते हैं, बातें व्यर्थ की होती हैं, विस्तार की होती हैं, हमें दूर जंगल में ले जाती हैं, खुशी नष्ट कर देती हैं, व्यर्थ चिंतन बढ़ा देती हैं, वो हमें प्रिय है? या हमारे ये अनमोल क्षण भगवान के साथ बीत रहे हों, हम उसकी छत्र छाया में परम सुख का अनुभव कर रहे हों, हम उसके साथ से अपने जीवन को निर्विघ्न बना रहे हों, सभी निर्णय कर लें अपने संपूर्ण जीवन के लिए क्या प्रिय है हमें, बातें या बाप का साथ। उत्तर तो स्पष्ट है, बातों में हम दो युग से रहे हैं। हमने देख लिया, बातों से सारी बात बिगड़ गई, बातों से सारा खेल बिगड़ गया, बातों के विस्तार में जाने से हम सब कुछ गंवा बैठे। अब हमें एकाग्रचित हो जाना है। इस तरह हम सभी चिंतन करें। संगम युग का अनमोल समय हमारे सामने आया है। एक विशेष चीज पर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, सभी इसको ध्यान से सुने और चिंतन करें। इस समय हम बाबा से जैसी चाहे बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यूं तो हम जानते हैं बुद्धि आत्मा के साथ सदा ही है, अविनाशी रूप से। लेकिन यदि हम इस समय अपनी बुद्धि को दिव्य बना लेते हैं तो ये बुद्धि की दिव्यता तीक्ष्ण बुद्धि के रूप में जन्म जन्म हमारे साथ चलती है। जो इस समय दिव्य बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो जन्म जन्म सेंसिबल बनकर रहते हैं, बहुत समझदार, विवेकशील, विजडम से भरा हुआ उनका जीवन रहता है। हम बात करें और बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए जहाँ बुद्धि की प्योरिटी की आवश्यकता है वहीं बुद्धि को स्वच्छ रखने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारी मुरलियाँ हम इस पर सुन चुके हैं, बुद्धि को क्लीन करो, बुद्धि की लाइन को क्लियर करो। हम ऐसा तो नहीं हो रहा है कि क्लीन करने की बजाय अपनी बुद्धि में और बहुत कुछ भरते जा रहे हैं, जिसे क्लीन करने के लिए हमें अंत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें क्लीन करना है अपने को बुद्धि दिव्य बनाने के लिए। इस पर सभी चिंतन करेंगे। एक बहुत सुंदर अवसर हम सबके सामने आया है। आज बाबा हमारे सामने उपस्थित होंगे। सभी को अवश्य नशा होगा कि जिसे हम जन्म जन्म ढूंढते थे वो आज हमारे सामने होगा, जिसके क्षण भर के दर्शनों के लिए
हम तपस्या करते थे उसे आज घंटों घंटों अपने सामने बैठा हुआ देखेंगे, जिसके लिए शास्त्रों में अनेक बातें सुनते थे आज उसकी संपूर्ण छवि को इन आंखों से निहारेंगे। कितना बड़ा भाग्य है ये हम सबका। और आज सवेरे से ही सभी ने इस तरह अपने को अलौकिक खुशी में और ईश्वरीय नशे में अवश्य रखा होगा। हमारी इन प्राप्तियों का आधार हमारा नशा, हमारी बुद्धि की स्वच्छता और एकाग्रता ही होती है। कहाँ जन्म जन्म हम सभी भगवान से मांगते आए और आज वो हमारे सम्मुख बैठकर खुले हाथ खजाने लौटाएगा। ये हम सभी को आज बहुत नशा है, खुशी है। तो हम सभी अपने को तैयार कर दें बाबा से सब कुछ प्राप्त करने के लिए। जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए इस सभा में बैठकर अपने मन में कोई भी निगेटिव संकल्प, संशय का संकल्प नहीं रखेंगे। जो बहुत पुराने हैं बाबा के बच्चे, योग युक्त हैं, उन्हें बाबा की मुरलियों से एक बात ख्याल में ले आनी चाहिए अभी से, कि हमें जिन्हें विश्व का कल्याण करना है, जिन्हें इस सारे संसार को सकाश देनी है, जिनकी ओर संसार की अनेक आत्माएं प्यासी नजरों से देख रही हैं, हम सबको किसी के लिए भी अपने मन में निगेटिव वाइब्रेशंस नहीं रखने हैं। माताएं भी सभी समझ सकती हैं इस बात को, किसी के लिए भी हमें अपने मन में गलत भावना नहीं रखनी है। इससे हमारी सेवा में विघ्न पड़ता है, हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं बन पाती है। तो यहां बैठे हुए अपने को केवल यहीं रखेंगे, अगर किसी के मन में और कोई संकल्प चल रहा हो उस सब को समाकर, समेट कर अब केवल एक संकल्प में आ जाएं कि आज तो मुझे केवल बाबा को देखना है जो सर्वशक्तिवान है, वो मेरे सामने बैठा है, आज तो केवल उसे देख लेना है, उससे संपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर लेनी है। मैं ये अपने अनुभव की बात आप सभी को कह रहा हूं। बाबा जब अव्यक्त हुए और मधुबन में बहुत जल्दी जल्दी आते थे तो मुझे इस बात की बहुत खुशी रहती थी, नशा रहता था कि जिसको हम परम धाम में योग लगाते हैं वो हमारे सामने बैठा है, 4 घंटे 6 घंटे तक बैठा है, उसकी किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, उससे हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक बात सदा सोचता था, मुझे शास्त्रों की ये बात याद रहती है, जो भारत वाले उन्हें याद रहती होगी, विष्णु के रूप में भगवान का चित्रण करते हुए लेखकों ने लिखा है कि जब श्री कृष्ण को गोपियां नचा रही हैं, छाछ नहीं दे रही हैं, मक्खन नहीं दे रही हैं, तो व्यास ने लिखा है कि वो सर्वशक्तिवान जिसकी भ्रकुटी तन जाने से सातों सागर थर्राने लगते हैं, उसको गोपियां नाच नचा रही हैं, क्या गजब की लीला है। तो हम सभी उसकी शक्तियों को जानते हैं। तो मैं सोचा करता था
कि बाबा रोज हमें कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अच्छी तरह देख लें कि जो हमारे साथ है वो कैसा है। सर्वशक्तिवान जिसका साथ होने के बाद आत्मा भी अत्यंत शक्तिशाली बन जाती है, जिसका साथ मिलने पर हर तरह का भय समाप्त हो जाता है, जिसकी शक्तियां हमारे जन्म जन्म के विकर्मों को और संस्कारों को नष्ट कर डालती है, वो हमारे साथ है। अगर इस अवेयरनेस को, इस स्मृति को हम अपने जीवन में बढ़ा दें तो हमारा जीवन पूरी तरह निष्कंटक हो जाएगा। हमें किसी भी समस्या को और तरह से हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वशक्तिवान का साथ होने पर समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। एक बात बाबा की याद दिला दूं आपको, बहुत अच्छे अनुभव करने की बात है कि तुम सभी बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहो, और जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं उनके लिए समस्याएं ऐसे ही हैं जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। हम अपनी शक्तियों को पहचान लें और उसकी स्मृति में रहें तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को हम इस संकल्प से ही नष्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने संकल्पों की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से जान लेना है, पहचान लेना है। एक और बात मैं आपको बाबा की याद दिला दूं, और सभी इस एक बात के द्वारा अपने लौकिक जीवन की, लौकिक धंधों की, परिवार की समस्याओं को हल करेंगे। बाबा ने कहा है, बहुतों को याद होगी ये बात, बहुत अच्छी तरह अभ्यास में लाना है, ध्यान देंगे सभी, कि संसार में लोग, मनुष्य अपने बड़े बड़े कार्य मनोबल से करने में सफल होते हैं। आप जानते हैं इतिहास में, संसार के इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने मनोबल के द्वारा असंभव और कठिनतम कार्य को सरल कर दिया। उनके मनोबल के सामने परिस्थिति और समस्याओं को झुकना पड़ा, सारे संसार को झुकना पड़ा। बाबा ने कहा कि मनुष्यों के पास होता है मनोबल, विल पावर, और तुम्हारे पास है परमात्म विल पावर। याद रखें इस बात को, जब विल पावर वाले मनुष्य भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो परमात्म मनोबल वाली आत्माएं क्या नहीं कर सकती। बाबा ने ही कहा कि इस स्मृति के द्वारा कि हमारे पास परमात्म विल पावर है, संकल्प शक्ति से तुम जो चाहे कर सकते हो, समस्याओं का समाधान कर सकते हो। परंतु ऐड किया है बाबा ने, यही बात ध्यान देने की है कि तुम्हारे अपने ही कमजोर और निगेटिव संकल्प तुम्हारी सफलता के मार्ग में बाधक हैं। इसलिए केवल यही संकल्प रखो, बाबा के ही महावाक्य हैं, कि ये कार्य होना ही है और वो हो जाएगा। बहुत सारे अनुभव कर सकते हैं हम सभी, परमात्म विल पावर में अपने को स्थित करके कि ये कार्य होना ही है। यदि हम ऐसा संकल्प दृढ़ता पूर्वक करें तो अवश्य होगा। मैंने यहाँ की क्लासेज में अपने बहुत सारे अनुभव इस तरह के सुनाए हैं, और विशेष रूप से एक यात्रा का अनुभव जब मैं अफ्रीका के देशों में गया था और मैंने यहीं से एक संकल्प रखा था कि हर जगह एयरपोर्ट से मुझे 15 मिनट में बाहर आ जाना है। सभी लोग कहते हैं 1 घंटा लगता है,
और मैंने इस संकल्प के द्वारा कि मेरे पास परमात्म विल पावर है, मुझे 15 मिनट में एयरपोर्ट से बाहर आ जाना है। और बहुत जगह ऐसे हुआ कि मुझे रिसीव करने वाले आए ही नहीं थे क्योंकि मैं 15 मिनट में बाहर आ गया था। बहुत सारे अनुभव एक ही यात्रा में हो गए। हम कठिन से कठिन काम को संकल्प शक्ति से सरल कर सकते हैं। एक जगह वीजा लेना था दूसरे देश का, सभी ने सोचा हुआ था कि बहुत कठिन काम है, वापिस आ जाएंगे, और मैंने सोचा हुआ था कि नहीं मिलेगा ही, और जाते ही मिल गया। हम अपने संकल्प को पॉजिटिव कर दें, संकल्प को निगेटिव करने से हम अपने ही मार्ग में दीवार खड़ी कर देते हैं। इस तरह यदि हम संकल्प शक्ति को पहचान लें, उसके महत्व को समझ लें और रोज उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाएं, तो हमारे अनुभव हमें कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और हम अपने जीवन की सभी बातों को, औरों के जीवन की समस्याओं को, और जो बहुत शक्तिशाली हैं वो संसार की समस्याओं को हल करने में समर्थ होंगे। ये कार्य हम सबको करना ही है। तो हमारा एक एक संकल्प बहुत कीमती है। सभी इस बात पर बहुत बहुत ध्यान दें अपने जीवन में, जो आत्मा संकल्प की शक्ति को नष्ट कर रही हैं, जिन्हें अपनी संकल्प शक्ति का स्वयं एहसास नहीं है, वो निश्चित रूप से खाली रह जाती हैं। योग अभ्यास के साथ हमें शक्तिशाली संकल्पों की रचना करना भी सीख लेना चाहिए। साथ ही साथ अब हम दूसरी बात की ओर चलें, जो आज के इस सुंदर अवसर से जुड़ी हुई है, वो है अपना स्वमान। हम सभी को ये नशा है कि आज हमसे मिलने के लिए कौन आ रहा है? है सभी को नशा? हाथ उठाएंगे? ठीक है, लेकिन इस नशे में एक नशे को और जोड़ दें। कौन मिलने आ रहा है और किन से मिलने आ रहा है? केवल आत्माओं से नहीं, वो तो कॉमन बात है। जो इस संसार की चुनी हुई हस्तियां हैं, जिन्हें संसार को बदलना है, जिनके ऊपर स्वयं भगवान की भी नजर है, जो इष्ट देव देवियां हैं, उनसे मिलने के लिए सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी हस्ती आ रही है। कोई सोचे कि शांति वन के इस हॉल में 10,000 अब 11,000 इष्ट देव देवियां बैठे हैं, सुनने वाले को कैसा लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है किसी स्थान पर 11,000 इष्ट देव देवियां बैठी हों? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्थान पर जो भी बैठे हों 11,000 सभी महान आत्माएं हों? लोग अपने अपने गुरुओं की महिमा करते हैं। आप सब भी लोगों को बता सकते हैं कि भाई फलाना गुरु, फलाना जगत गुरु, फलाना बाबा बहुत शक्तिशाली है, बहुत पवित्र है। मैं पूछा करता हूँ, और उनके चेले? वो सब अपवित्र हैं, वो सब कमजोर हैं। लेकिन इधर न केवल एक बाबा सर्वशक्तिवान है, न केवल एक सबसे बड़ा है, महान है, लेकिन उसके सब बच्चे, उसकी हम सब आत्माएं भी बहुत महान हैं। ये ईश्वरीय कार्य की अलौकिकता है। तो हम सभी अपने को ले चलें इस महान नशे की ओर कि हम इस संसार में महान आत्माएं हैं। बहुत सारे भाई बहने
ये प्रश्न सभी से सदा ही पूछते हैं कि हम अपने कड़े संस्कारों को कैसे बदलेंगे, और मेरे पास इसका उत्तर है, बाबा का उत्तर है, वो अनुभवों का उत्तर है, एक का नहीं हजारों आत्माओं के अनुभवों का उत्तर है कि जिस तरह के संस्कारों को हमें बदलना हो उसी तरह के स्वमान में स्वयं को स्थित करें। हमारे ये स्वमान बहुत शक्तिशाली और इफेक्टिव हैं कि मैं इष्ट देव देवियां हूं करके देख लें, माताएं करके देख लें अपने घरों में, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, टीचर बहने करके देख लें अपने सेंटर्स में, मैं इष्ट देवी हूं, सेवा की वृद्धि स्वतः ही होने लगेगी, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सभी अनुभव कर लें, आकर्षण बढ़ जाएगा, रूहानी आकर्षण, आत्माएं खिंच खिंच के आने लगेंगी, मैं एक महान आत्मा हूं। इस स्वमान में तो बहुत बड़ा प्रभाव है, तो सभी स्वमान को ले लें, मैं एक महान आत्मा हूं। गाजियाबाद की राजेश बहन वरदानी भवन में रतन मोहिनी दादी से मिलने बैठी हैं। राजेश बहन देख लो, राजेश बहन गाजियाबाद, मैं एक महान आत्मा हूं। आप जब दूसरों को ज्ञान देते हैं अटेंशन सहित, स्वयं को इस स्वमान में स्थित कर लें, आप पाएंगे दूसरे व्यक्ति का अभिमान नष्ट होने लगा। आपकी दृष्टि पड़ते ही कितना भी ईगो हो मनुष्य में, वो नष्ट हो जाएगा, आत्मा ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। इस संसार में हर मनुष्य सम्मान की कामना रखता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कौन नहीं होगा जो सम्मानित जीवन न जीना चाहता हो। सम्मान प्राप्त करने के लिए मनुष्य संसार में न जाने क्या क्या करता है, और बाबा ने हम सभी को बीज की बात बता दी, स्वमान में रहो, सम्मान परछाई की तरह तुम्हारे पीछे आएगा। मांगने की तो बात ही नहीं, महान आत्माएं किसी से सम्मान मांगती नहीं हैं, सम्मान उनके पीछे पीछे चला आता है। अपने परिवारों की सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति के द्वारा। तो जिस तरह के संस्कारों को हम बदलना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ स्वमान हम अभ्यास में लाएं। और मैं उदाहरण के लिए सभी को याद दिला दूं कि हम सभी आत्माओं के अंदर जन्म जन्म की घटनाओं के कारण किसी न किसी तरह का डर समा गया है, भय। हर आत्मा को कोई ना कोई भय है। इस संसार में कोई भी आत्मा ऐसी नहीं दिखाई देगी जिसको किसी न किसी तरह का भय ना हो। आपने भी देखे होंगे, हमने बहुत लोग देखे। मैं नेपोलियन की एक कहानी सुनाया करता हूं, आपने सुना होगा। नेपोलियन सबसे शक्तिशाली सेनापति अपने समय का, लेकिन अपोजिशन के सेनापति ने ये जान लिया कि नेपोलियन है तो बहुत बहादुर, लेकिन एक चीज से बहुत डरता है, और वो है बिल्ली। बिल्ली से वैसे सभी डरते हैं, बस सेनापति अपने साथ दूसरे घुड़सवारों को बिल्ली लेकर चला गया, और जैसे ही सामना हुआ सभी ने बिल्लियां सेनापति नेपोलियन के ऊपर फेंक दी, और नेपोलियन ने घोड़ा वापस मोड़ा। तो इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी विल पावर की सारे संसार में चर्चा थी, वो बिल्लियों से बहुत डरता था। हम सब में भी किसी न किसी तरह का भय छुपा रहता है, और हम उस भय को निकालने के लिए एक ही बात का अभ्यास करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा करेंगे
मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। किसी भी स्वमान का अनुभव करने का तरीका है उस पर चिंतन करना। बिना चिंतन के स्वमान नशे का स्वरूप नहीं लेता। मैं कौन हूँ, कैसी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए हम इतना ही चिंतन रोज कर लिया करें कि सर्वशक्तिवान ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। बार बार आप अपने को ये संकल्प दिलाएंगे याद, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, क्योंकि सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां मेरे पास हैं। इस संकल्प से आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत होंगी, छुपा हुआ भय नष्ट हो जाएगा, और भय नष्ट होने से विल पावर बहुत बढ़ जाती है, संकल्पों में शक्ति बढ़ जाती है। तो ध्यान दें इस बात पर, अपने को दिन में कई बार याद दिलाएं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। इस तरह भी याद दिला सकते हैं, मैं कमजोर नहीं, बहुत शक्तिशाली हूं, सर्व शक्तियों की मालिक हूं, जो कुछ सर्वशक्तिवान के पास है वो मेरे पास भी है। इस चिंतन को आगे बढ़ाएंगे तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी, कमजोरी और भय समाप्त होगा। अब एक बात और आपके सामने रखकर हम नए भाई बहनों के लिए थोड़ी सी विधि का वर्णन कर देंगे, ताकि आने वाले सभी भाई बहने संपूर्ण रूप से बाबा से सब कुछ ले सकें। वो बात है, हम सब ने वो हजारों बार सुना है, मेरा बाबा। लेकिन बहुत शक्तिशाली बात है, और इसके लिए भी चिंतन की आवश्यकता है। जो भगवान है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो संसार के दुखों को क्षण भर में हर सकता है, जो संपूर्ण प्रकृति का मालिक है, वो मेरा है। इस अपनेपन को बढ़ाना है, ये अपनापन है। संसार में किसी ने आज तक नहीं सीखा सिखाया कि भगवान से अपनापन बढ़ाओ। डर सिखा दिया, डरो भगवान से, गॉड फियरिंग बना दिया। कई धर्मों में इस भय ने मनुष्य की खुशी छीन ली। आज ही कोई बता रहे थे कि इस भय के कारण बहुत लोगों के शरीरों में एनर्जी ब्लॉक हो गई, बीमारियां बढ़ रही हैं। बाबा ने हमें इस भय को समाप्त कराकर ये याद दिला दिया कि मैं तुम्हारा हूं। अच्छी तरह याद दिलाएं अपने को, भगवान मेरा। संसार में कोई धनवान हमारा हो, कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमारा हो, कोई बहुत ऊंचे पद पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारा रिलेटिव हो, तो हम जानते हैं हमारी मनोस्थिति कितनी ऊंची रहती है, नशे की रहती है। और जिनका भगवान हो, सर्वशक्तिवान हो, उनको चिंताओं की कोई जरूरत नहीं। चिंतन करके इस बात को अपने चित्त में सभी समाते चलेंगे, बहुत बड़ी प्राप्ति है संगम युग पर हम आत्माओं को कि भगवान मेरा है। शब्दों की बात नहीं, पर इतना अपनापन हो जाए कि हमारा अधिकार उस पर और उसका अधिकार हम पर, इतनी समीपता हो जाए, वो हमें जो कहे हम करने को तैयार, हम उसे जो कहें वो करने को तैयार। ऐसे अपनेपन को हम सभी को अपने चित्त में बढ़ाना है। तो आज बाबा हमारे सामने बैठेंगे आकर,
मैं नए भाई बहनों के लिए संक्षेप में उस विधि का वर्णन कर दूं जिससे हम सभी बाबा से शक्तियां प्राप्त करेंगे। भगवान को कर्म करते हुए देखेंगे कितनी बड़ी चीज है। एक समय था बाबा के ही अव्यक्त पाठ का, जब हम लोगों ने तीन बातें अपनी बुद्धि में रखी थी कि तुम इन आंखों से भगवान को देखते हो, तुमने इन आंखों से भगवान को अपने दिव्य कर्म करते हुए देखा है, तुम इन आंखों से अब किसी के अवगुण नहीं देख सकते। अवगुण देखेंगे तो भगवान दिखाई नहीं देगा। जिन कानों से तुमने भगवान के महावाक्य सुने हैं, डायरेक्ट गीता ज्ञान सुना है, उस ज्ञान को सुनकर अतिंद्रिय सुखों का अनुभव लिया है, उन कानों से अव्यर्थ बातें नहीं सुन सकते। जिस मुख से तुम सारे संसार को अमृत बांटते हो, उस मुख से कटु वचन नहीं बांट सकते। तो आज हम बाबा को अपने सम्मुख कर्म करते हुए देखेंगे, जो बहुत बुद्धिमान हैं, जो योग युक्त हैं, वो देखें बाबा को, वो किस तरह बोलता है। जब वो देखता है तो क्या देखता है, किस तरह देखता है। जब भोजन भोग स्वीकार करता है तो किस तरह उपराम है, किस तरह साक्षी है। अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उसके सब कर्म देखें, जिसको हम सब भी अकर्ता कहते हैं, यद्यपि वो अकर्ता है नहीं। तो जैसे ही दादी यहां पर आए, हम सभी बाबा के आह्वान में बैठेंगे और वो समय फिर से हमारे लिए बहुत काम का होगा कि हम अपनी बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र कर लें। और मैं आपको एक ही संकल्प दे रहा हूं, जिस पर हमने पहले भी योग किया, मैं आत्मा यहां पर हूं, ऐसा अभ्यास करेंगे जैसे शरीर है ही नहीं। अपने को संकल्प देंगे जैसे कि हमारा शरीर लोप हो गया, मैं केवल चमकती हुई मणि रह गई, और सर्वशक्तिवान की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। अभ्यास कर सकते हैं बीच बीच में, मैं आत्मा यहां से निकलकर बाबा के पास पहुंचती हूं, ऊपर किरणों के बीच से ही वापिस आ जाती हूं। किरणें निरंतर पड़ रही हैं, बाबा को अपनी प्यार में भी बांधेंगे हम सभी, ये तो हमें पता ही है कि वो आ रहा है और आएगा ही, लेकिन हम उसे प्यार से निमंत्रण भी देंगे इस संकल्प के साथ कि आज जो कुछ आप हमें करने को कहेंगे वो हम अवश्य करेंगे। तैयार हैं सभी इसके लिए? जो आज बाबा की हमारे लिए प्रेरणा होगी वो हम अवश्य पूरा करेंगे, करेंगे ना टीचर बहने, करेंगे? ये संकल्प बहुत कुछ कर देता है हमारे अंदर, हमारे ब्रेन को तैयार कर देता है उन शक्तियों को ग्रहण करने के लिए जो वो हमें दे रहा है। इस तरह 15-20 मिनट बाबा के आह्वान के हम संपूर्ण रूप से एकाग्र रहते हुए बुद्धि को कहीं न जाने देंगे। अगर मन कहीं जाने लगे तो एक ही संकल्प देंगे अपने मन को, जरा कंट्रोलर बनकर बैठेंगे, मैं मन की मालिक हूं, और कहेंगे मन को कि आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है, आज तो मुझे अपने प्रियतम से मिलना है। कोई संकल्प आए उसको कल का अपॉइंटमेंट दे देना कि तुम कल आ जाना, आज नहीं।
आज तो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, आज तुमसे नहीं मिलेंगे। सहज भाव से अपने मन के सभी संकल्पों को हटाते हुए संपूर्ण एक एकाग्रचित रहेंगे। उसके बाद बाबा आएंगे, सफेद लाइट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि कोई भी नए भाई बहने किसी भी तरह के संशय के संकल्प से यहाँ नहीं बैठेंगे। ये नहीं कि भगवान आया है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया, हमें दिखता तो हम मान लेते, ये होता तो हमें निश्चय हो जाता। ऐसे निश्चय का फाउंडेशन बहुत कमजोर होता है। हम ज्ञान युक्त निश्चय के द्वारा यहाँ पर बैठेंगे। बाबा आएंगे, सभी को दृष्टि देंगे। दृष्टि का बहुत महत्व है बाबा की, सब जानते हैं। बाबा की दृष्टि से सब कुछ फैलता है सारे होल में, और हम जहाँ भी बैठे हैं हमें उसकी अनुभूति होती है। इसलिए ध्यान देंगे सभी कि हम अपने मन, बुद्धि और दृष्टि को शिव बाबा पर ही एकाग्र रखेंगे। 10-15 मिनट बाबा दृष्टि देते हैं और हम ये संकल्प लेकर बैठ जाएं कि सर्वशक्तिवान इतने समय तक अपनी शक्तियां मुझे दे रहे हैं। हम एकाग्र रहेंगे तो सारी शक्तियां प्राप्त होती रहेंगी, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं। इस चीज का कोई महत्व नहीं होता कि कौन दूर बैठा है और कौन नजदीक। बाबा की नजरों में तो सभी बिल्कुल नजदीक हैं, अभी से उसको पता है कौन कहाँ बैठा है, और वो जिसको जो कुछ देना चाहता है, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, वो देता ही है। तो दृष्टि का सुख लेंगे 15 मिनट, उसके बाद बाबा के महावाक्य चलेंगे। हम महावाक्यों को बहुत एकाग्रचित होकर सुनते ही हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि बाबा की मुरली का संपूर्ण ईश्वरीय सुख प्राप्त करेंगे। सुख और रस केवल सुनेंगे नहीं कि बाबा ने ये बात बहुत अच्छी कही है, साथ में उससे मिलने वाला सुख, जब भगवान बोल रहा हो तब आत्माओं को जो सुख मिलता है उसका रसास्वादन हम सभी करेंगे। सारी मुरली आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, बाबा की मुरली सुनते हुए अपने मन और बुद्धि को सामने बैठे हुए सर्वशक्तिवान पर एकाग्र रखेंगे तो शक्तियां प्राप्त होती रहेंगी, और जो कुछ हम धारण करना चाहेंगे वो उन शक्तियों के द्वारा धारण हो सकेगा। उसके बाद तो बाबा को भोग लगता है, दादियां स्टेज पर आएंगी और हम सभी अपनी अच्छी स्थिति में स्थित रहते हुए उन क्षणों का सुख प्राप्त करेंगे। संकल्प नहीं रखेंगे। कैसे संकल्प रखते हैं सभी कि मैं भी स्टेज पर चला जाऊं? आप सब जानते हैं 10,000 भाई बहने तो स्टेज पे नहीं आ सकते, लेकिन संकल्प ये रखेंगे कि क्यों न बाबा को अपने पास रखूं। बाबा के पास स्टेज पे सब नहीं जा सकते, लेकिन बाबा को सभी हम अपने पास रख सकते हैं, समा सकते हैं। सभी संकल्पों को समेटते हुए जो कुछ स्टेज पर होगा उसको देखने का सुख प्राप्त करेंगे। जैसे भागवत में है कि यशोदा श्री कृष्ण के कर्मों को, रास को, चंचलता को देख देख कर आनंदित हो रही है, हम भी बाबा के दिव्य कर्मों को देख देख कर आनंदित होंगे। तो आज का ये संपूर्ण समय 4-5 घंटे हमारे सामने भगवान बैठता है, हम सभी संकल्प से बैठें कि बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। ओम शांति। अब हम सभी बैठते हैं, सबसे पहले अपने को इस स्वरूप में स्थित करें, मैं फरिश्ता हूं, शक्तिशाली फरिश्ता, लाइट के शरीर में मेरे अंग अंग से
शक्तियों की किरणें फैलती हैं लाल रंग में। कलर देखेंगे सभी, लाल रंग की शक्तियों की किरणें फैलती हैं और मुझ फरिश्ते के ऊपर सर्वशक्तिवान की किरणों का फाउंटेन पड़ रहा है। दिव्य दुनिया दे दी